इस वक्त हमारे साथ बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल मौजूद हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से वोटिंग चल रही है और लगातार हर तरफ से सवाल आ रहा है कि नौवां कैंडिडेट, आखिर कौन सी रणनीति के तहत भाजपा ने नौवां कैंडिडेट उतारा मैदान में? निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी ने नवा कैंडिडेट खड़ा किया है, वो नवा कैंडिडेट जीतने वाला है और शाम तक का रिजल्ट ये बात साबित कर देगा कि हमारे 9 के 9 प्रत्याशी जीत रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि चूंकि इतने संख्या बल में तो आपके पास पूरे नहीं थे, लेकिन आपने उतारा तो कहीं ना कहीं से तो आएंगे, कुछ उम्मीद लग रही कहाँ से कितने? देखिए, ये जो गठजोड़ करते हैं लोग ना, और जोड़ तोड़ फोड़ करते हैं, ये उनका काम है। साल भर पहले भी इन्होंने एक गठबंधन किया था, उसको तोड़ा, उपचुनाव में दूसरा गठबंधन किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति में विश्वास करती है। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से आदरणीय योगी जी ने एक वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है, देश में भी जिस तरीके से 4 वर्ष सफलता के पूरे हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप, एक भी छींटा ना प्रदेश सरकार की किसी मंत्री पर लगा है, ना केंद्र सरकार की किसी मंत्री पर लगा है, ना किसी विधायक पर लगा है। उसी के नाते हमारे साथ अच्छे लोग खड़े हुए हैं और वो सब मिलकर नवे प्रत्याशी को जिताएंगे। दूसरी पार्टियों में अच्छे लोग हैं? दूसरी पार्टियों में अच्छे लोग हैं? देखिए, जो हमारे में विश्वास रखता है, हमारी रीत नीति देर से ही सही हमारे साथ खड़ा है, इसके मतलब कि हमारी रीत नीति में उसकी आस्था व्यक्त हुई है। बिल्कुल, आस्था व्यक्त है और वो लोग भाजपा के पक्ष में कहीं ना कहीं आ सकते हैं। इस उम्मीद के साथ नौवां कैंडिडेट भी उतारा गया। कैमरामैन रोहित के साथ शिवा तिवारी, नेशनल वॉइस, लखनऊ।